देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन लिंक फेलियर का अगर प्रॉब्लम आया है डीजल लोकोमोटिव के अंदर, तो आपको क्या करना होगा कम्युनिकेशन लिंक फेलियर के लिए। कम्युनिकेशन लिंक फेलियर का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको इस तरीके का मैसेज देखेगा, नो लोड कम्युनिकेशन लिंक फेलियर, या फिर आपको TCC/1 MAV इवेंट रिकॉर्डर के अंदर आपको इस तरीके से देखेगा, नो लोड कम्युनिकेशन लिंक फेलियर का मैसेज आपको देखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कंसर्न जो भी सर्किट ब्रेकर है उसको आपको रिसाइकिल करना है। रिसाइकिल कंसर्न TCC या AC या GTO सर्किट ब्रेकर, अगर GTO टेक्नोलॉजी रहेगी तो GTO टेक्नोलॉजी में आपको उस तरीके का सर्किट ब्रेकर रहेगा, TCC AC GTO, उसको आपको रिसाइकिल करना है। या TCC IGBT सर्किट ब्रेकर है, IGBT टेक्नोलॉजी रहेगी, जैसे कि EMD लोकोमोटिव रहेंगे, EMD लोकोमोटिव में TCC और IGBT सर्किट ब्रेकर रहेंगे, तो उनको आपको रिसाइकिल करना है। दूसरा आपका अगर मान लो सीमेंस लोको है, तो सीमेंस लोको में आपका TCC P5, TCC PS या PS5 सर्किट ब्रेकर रहेंगे, तो उनको आपको रिसाइकिल करना है, सीमेंस लोकोमोटिव रहेगा तो। और अगर मेधा लोकोमोटिव रहेगा तो मेधा लोकोमोटिव में आपके पास सर्किट ब्रेकर जो रहेंगे वो रहेंगे TC DLC या TC ब्लोअर सर्किट ब्रेकर, उनको आपको रिसाइकिल करना है। तो ये सिर्फ आपको सर्किट ब्रेकर को रिसाइकिल करना है। अगर कम्युनिकेशन लिंक फेलियर का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी नो लोड और कम्युनिकेशन लिंक फेलियर का मैसेज आ रहा है डिस्प्ले पर, तो तीनों तरह के लोकोमोटिव है उनमें अलग अलग प्रोसेस है। EMD लोकोमोटिव में अलग प्रोसेस है, सीमेंस लोकोमोटिव में अलग प्रोसेस है और मेधा लोकोमोटिव में अलग प्रोसेस है। मेधा लोकोमोटिव में सिर्फ TC DLC और TC ब्लोअर सर्किट दे रखे हैं, उनको ही आपको रिसेट करना है। सीमेंस लोकोमोटिव में आपको TCC P5 P5 सर्किट ब्रेकर है, उन्हीं को आपको रिसाइकिल करना है। और जो हमारा EMD लोकोमोटिव है उसमें TCC AC GTO सर्किट ब्रेकर आपको रिसाइकिल करना है GTO टेक्नोलॉजी के अंदर, और TCC और IGBT सर्किट ब्रेकर रिसाइकिल करना है IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर। अब सर्किट ब्रेकर को रिसाइकिल करने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर है उसको आपको ऑफ करना होगा, उसके बाद में जिस सर्किट ब्रेकर को रिसाइकिल करना है उसको आपको ऑफ करना होगा, 30 सेकंड वेट करना होगा। कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर को आपने ऑफ किया है, जिसको आपको रिसाइकिल करना है उसको आपको वापस से ऑन करना होगा, और उसके बाद में कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर है उसको ऑन, और पहले कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर ऑन होगा और सबसे बाद में ऑफ होगा, और सबसे बाद में ये ऑन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है रिसाइकिल करते समय, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और कोई भी कंट्रोल कंसोल रिसाइकिल करते हैं, कोई भी सर्किट ब्रेकर अगर रिसाइकिल कर रहे हो, तो उससे आप पहले आपको कंट्रोल कंसोल सिक्योर कर लेना है। कंट्रोल कंसोल सिक्योर करने का क्या प्रोसेस है, आपका थ्रॉटल आइडियल पर होना चाहिए, रिवर्स एंड न्यूट्रल पर होना चाहिए, GF और EF स्विच है वो ऑफ पोजिशन पर होना चाहिए, और आइसोलेशन स्विच ऑफ आइसोलेट पर होना चाहिए। तो कोई भी सर्किट ब्रेकर आप रिसाइकिल कर रहे हैं उससे पहले आपका कंट्रोल कंसोल है वो भी आपका सिक्योर होना चाहिए। तो इतना ही चीज़ें हम देखते हैं कम्युनिकेशन लिंक फेलियर में। धन्यवाद।